धन्यवाद जीतराम भट्ट जी। मंचासीन दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, अकादमी के वाइस चेयरमैन विष्णु खरे जी, पुष्पा मैत्री जी, अकादमी के सदस्य दिलीप पांडे जी और सभी साथियों, सभी को नमस्कार। आज मुझे बड़ी खुशी है कि मनीष जी के नेतृत्व में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में जिस तरीके से आर्ट कल्चर लैंग्वेज डिपार्टमेंट के माध्यम से दिल्ली की जनता तक, कॉलोनियों तक पहुंचने का प्रयास, गली गली तक पहुंचने का प्रयास हमारा ये विभाग कर रहा है, हमारी एकेडमीज कर रही हैं। पहले शायरी उतने निचले कॉलोनियों के स्तर तक, लोगों के नज़दीक तक नहीं पहुंचती थी। बड़े बड़े सभागार में सिर्फ शायरी सुनने को मिलती थी, कवि सम्मेलन मिलते थे, लेकिन मनीष जी के नेतृत्व में आज दिल्ली के देहात में और छोटी छोटी कॉलोनियों तक में भी हमारा विभाग पहुंच पा रहा है, तो मैं उनको बधाई देता हूं। और आज के इस सम्मान समारोह में जिन विभूतियों को सम्मान मिला, उनको देखते ही लगता है कि कितने ईमानदारी के साथ उनका चयन हुआ है, और इसके लिए मैं मनीष जी को, उनके विभाग को बधाई दूंगा कि बहुत ही ईमानदारी के साथ उन्होंने एक से एक काबिल प्रतिभा का चयन किया, चाहे वो उपन्यास के क्षेत्र में हो, पटकथा के क्षेत्र में हो, चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र से ढूंढ ढूंढ के, छांट छांट के हीरों को उन्होंने आज सम्मानित करने का काम किया है। और मैं समझता हूं हम उनको नहीं बल्कि दिल्ली की सरकार ऐसी महान विभूतियों को सम्मानित करके अपने आप को सम्मानित कर रही है, मैं ऐसा मानता हूं। और जो अपेक्षा की जाती है साहित्यकार लेखक, उनके माध्यम से ही आज हिंदी फल फूल रही है। और सब लोग, चाहे वो किसी भी भाषा को पसंद करने वाले लोग हों, लेकिन हिंदी को सब पसंद करते हैं। पूरे देश के किसी भी कोने में चले जाइए, हिंदी को सब पसंद करते हैं, और हिंदी को आगे बढ़ने में, फलने फूलने में जीतराम भट्ट जी के नेतृत्व में जो हमारी एकेडमी आगे बढ़ रही है, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और आप सब यहाँ आए और सबने इस अवसर को गौरवान्वित बनाया, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।